कोई छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, मतलब कुछ लोगों को बिना बात की खुजली मची रहती है, अब कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसे ऐसे बातें, मतलब ठीक है मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब एक छोटा सा मैं आपको एक छोटी सी बस बात बोलूँगा कि कुछ ने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट, एक भाई साहब थे जिन्होंने कहा कि फलाने करोड़ का इनका बैच बन जाएगा, ठीक है, मतलब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट ही करना होता, अगर मतलब वहीं करना होता, तो ये बताइए कि जिस दिन मैंने मेंस का बैच लॉन्च किया था उस दिन से बेहतर क्या कुछ और हो सकता था, नहीं हो सकता था ना। इंसान जब मेंस का बैच लॉन्च करता है उसे पता है कि हाँ मार्केट में बच्चे भी किसी का बैच नहीं लिए हुए हैं, जितना फेंकना है इसमें फेंक लो, जितना कहना है इसमें कह लो, जितने एडमिशन बटोरने हैं इसमें बटोर लो, मैं उसी दिन ये घोषणा कर देता कि भाई एक बात बताओ जितने बच्चे जो हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 लेकर आएंगे उनको मैं थार दूंगा। उस दिन मेरे को समझ में भी आता कि एडमिशन बटोरने के लिए आदित्य रंजन ने ऐसा घटिया काम किया है, ठीक है, ताकि उनके बैच में बहुत ज्यादा मेंस के एडमिशन हो जाए, वो अपने आप को और बड़ा कर लें और पैसे कमा लें। मतलब जहां पर मेरे बैचेस में एडमिशन क्लोज हो गए, आप ऐसे समझिए जहाँ बैचेस में एडमिशन क्लोज हो गए, अब सभी चीज़ें एंड के कगार पर हैं, बेस का सिलेबस खत्म होने वाला है, बस पेपर होने वाला है, मन में एक इच्छा जागी, बोल दिया, उस चीज़ को कहाँ से कहाँ लेके जाना, मतलब इस समय तो ऐसा है ना सबने बहती गंगा में हाथ धोना है, सबको धोना है, अपने अपने थ्योरी प्रोजेक्शंस लेकर आ रहे हैं, ऐसा ना करके ऐसा किया जा सकता था, ऐसा ना करके ऐसा किया जा सकता था, इसको यहाँ फलानी चीज़ में दान दी जा सकती थी, इसको फलानी चीज़ में ये किया जा सकता था। अरे सर आप अपना काम करिए ना, ठीक है, किसने कहा ज्ञान देने को, ये बताइए पहले, किसी ने कहा ये बताइए, नहीं कहा ना, फिर जबरदस्ती की चीज़ों में आना, जबरदस्ती की बातों में करना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूँ यार मैं, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें लाइफ में सबक ले रहा हूँ मैं, लूंगा कोई बात नहीं, ठीक है, कि मैंने कहा भी ना पिछली वीडियो में कि बच्चों के लिए कुछ करना क्या होता है वो मुझे पता चल रहा है, एक ने किसी ने कहा इमोशनल बैकग्राउंड गाने वाने लगा के बच्चों को ये किया जाता है वो किया जाता है, तो मुझे जहां तक लगता है जहां तक मैंने जिनसे सीखा है 3 टीचरों से मैंने सीखा है कि बच्चों को मोटिवेशन दिया जाता है, पहले हमारे ओझा सर, दूसरे हमारे विकास देवी कीर्ति सर और तीसरे हमारे जो है वो खान सर हो गए। अभी मेरी बात भी हो रही थी गुजर पहले खान सर से बात हुई मेरी फोन पर ऐसे ही, तो खैर वो क्या बात हुई मैं बताऊंगा नहीं अभी आपको, ठीक है बस हो रही थी बात, तो यही है कि अगर आप मुझे भी कह रहे हैं तो यानी सारे के सारे ये भी टीचर्स गलत हैं, ये भी मोटिवेशन देते हैं बेकार देते हैं, गलत है यार, ये बैकग्राउंड म्यूजिक से ये भी बच्चों को एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं कि मतलब उनके इमोशंस के साथ खेलना और ये करना, ये भी तो वही काम करते हैं, फिर कुछ भी नहीं है तो यार कुछ भी तो नहीं बोलते ना, कहाँ की बात कहाँ लेकर चलेगा यार, मतलब ही नहीं बनता, जिसका कोई दुख ही नहीं बनता, ओलंपिक में कोई मेडल भी जीत के लेकर आता है, चलो मानो अगर मानो हरियाणा से कोई ओलंपिक से मेडल जीत कर लेकर आ रहा है सपोज करो यहाँ पर, तो उसको राजस्थान सरकार प्रोत्साहन पुरस्कार देगी, उसको बिहार सरकार प्रोत्साहन पुरस्कार देगी, उसको कौन देता है ये बताओ, राजस्थान की सरकार देगी, हरियाणा की देगी या फिर यूपी की देगी, भाई जिस स्टेट का जो खिलाड़ी होता है उसको उसी स्टेट का खिलाड़ी देता है ना। आज मेरे ऑफलाइन में मैंने बच्चों में लड्डू बटवाए, अब एक भाई साहब कह रहे थे आपने ऐसा क्यों किया, आप अगर थार रखते तो सबके लिए रखते, ठीक है एक से अपने स्टूडेंट्स के लिए क्यों रखा, मतलब आप यहाँ पर बच्चों को पुश कर रहे थे अपने बैच के लिए, हमने कहा गजब हाल यार गजब मेंटेलिटी है, अगर आज मुझे लड्डू ही बटवाए मैंने अपने हॉल में तो मैं अपने हॉल में बटवाऊंगा या दूसरे दूसरे कोचिंग के हॉल में जाकर लड्डू बटूंगा, ये बताओ, अब यह लड्डू खा लो अब यह लड्डू खा लो, गजब हाल यार, जो अपने स्टूडेंट है उन्हीं को ना मोटिवेट करेंगे, किसी और के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, हम स्टूडेंट ऐसे सारे अपने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने मना नहीं किया, आप ही पढ़े हो यार यूट्यूब पर, बट कल के दिन कोई भी स्टूडेंट आगे बोले हाँ सर हम तो यहीं से पढ़े हुए थे, बताइए, होता भी है रिजल्ट आने के बाद एक स्टूडेंट सबसे पढ़ा होता है, पता यहीं चलता है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं अभी आपके तरफ से वीडियो बनाते हैं, दूसरा वीडियो आपके व्यंग में होता है, कभी कहते हैं आपसे पढ़े भी हैं कभी कहते हैं नहीं भी पढ़े, तो क्या करोगे, तो हो जाती हैं चीज़ें, हालांकि मैं मतलब कसम से बताऊं भगवान के आगे कल रात को जाके ऐसे मत्था टेक के मैंने कहा भगवान गलती हो गई, ठीक है शायद बच्चों के बारे में मैंने सोच लिया कुछ कह दिया, आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, ठीक है बस चुपचाप पढ़ाना है, बस एक कुछ बातें अंदर दिल में थी जो मैं सोच रहा था कि मैं आपको कहूं, बस इतना कहूंगा मैं गलत नहीं हूं, ना मेरा कोई इरादा गलत है, सरस्वती लिए हाथ में मैंने, और मैं इसकी कसम खा के कहता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं किया, ना मेरे मन में कोई 1% भी दोष है, मन में कोई 1% भी लालच थी, ऐसा कभी नहीं, बस एक अंदर से गिफ्ट था कि हाँ देना है देना है देना है, तो बस उसी चीज़ की बात थी, बाकी तो ठीक है यार किसी ने नहीं किया, अब वही बात है कि अगर कोई करेगा तो फिर ऐसे कैसे तुम करोगे, खींचते हैं इसको नीचे उतारते हैं, नहीं जाना चाहिए हमसे, ठीक है ना, हर कोई कह रहा है, जो भाई साहब 6-6 महीने से गायब है यूट्यूब पे वो भी आगे बकैती पर आ रहा है, ज्ञान दे रहा है फालतू का, मतलब नॉलेज दे रहा है, ऐसे नहीं ऐसे बड़ा लिस्ट बने हुए हैं, मैं इसका पेपर था अगर बच्चों को बता देते क्या करना था क्या नहीं करना था, ठीक है एक आ तो इतना खतरनाक भाई साहब पता नहीं सीजल सेलेक्टेड भी है, इतना खतरनाक लेवल का उनका बात मैंने सुना ना, मतलब 10,000 एडमिशन इनटू इतना मैं डेटा देखे हैरान, अच्छा इतने भी एडमिशन होते हैं क्या इतना करोड़ का, यार कॉमन सेंस की बात है, जैसे मानो ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के लिए मैंने थार कहा है, तो आज के समय कोई बच्चा अगर मानो जिसका रैंक 1,000 भी आ रहा है 1,500 भी आ रहा है 2,000 भी आ रहा है वो क्या इस वजह से मेरे कोर्स में नॉल होगा, लकी ड्रॉ स्कीम चल रहा है ले लेते हैं क्या पता फंस जाए, कूपन चल रहा है यहाँ पे, आप कह रहे हैं 10,000 बच्चे इस बात पर एडमिशन लेंगे, कॉमन सेंस कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब जिसका रैंक 1,000 से भी ऊपर आएगा वो भी नहीं सोचेगा कि हाँ क्या पता मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 आ जाए, उसको पता है उसका लेवल क्या है, अब मेरे हाथ में साइकिल है यहाँ से रेस लग गई, किसी के पास साइकिल है किसी के पास बाइक है किसी के पास शॉपर है और इसी लगी कि दिल्ली से मुंबई जो पहले जाएगा उसको इनाम मिलेगा और हम जबरदस्ती का रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, हमको पता हम हार जाएंगे वहाँ पे हमारे पास साइकिल है, कुछ भी रहता है यार मत क्या करो ना ऐसे, जो देखो यार बच्चे हैं पढ़ रहे हैं मेरा जो मानना है वो यहाँ पर है मेंस का पेपर है, आप सभी आओ सभी बच्चों को मोटिवेट करो उनका पेपर उन्हें गाइडेंस दो उन्हें मेंस कैसे अटेंड करना चाहिए, पहली बार पैटर्न बदला है सारे के सारे अपने आप में परेशान है, कुछ टाइपिंग से परेशान है कुछ मेरे भाई यहाँ पर कंप्यूटर के टेस्ट से परेशान है, कुछ को तो ये समझ में नहीं आ रहा अटेंड कैसे करना है, ठीक है तो हम थोड़ा उन चीज़ों पर बात करें ना तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, एक दूसरे की बाल खाल निकालने में कोई फायदा है नहीं यहाँ पे, ठीक है रही बात कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट किसने की, मैंने कोई कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं की थी, मैंने अपनी एक बात रखी थी वो बात कॉन्ट्रोवर्सी बन गई अब वो अलग बात है, ठीक है कंट्रोवर्सी का होता है कि आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो भड़काऊ भाषण है, एक भी ऐसी कोई बात नहीं थी, उसको बनाया गया उसको एकदम ऐसे किया गया कि इनको मार्केट से निकाल देंगे खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं यार जिसने सांसे बंद हो जाएंगे खुद ही चले जाएंगे आप क्या निकालोगे ये बताओ, ठीक है जाकर आके सही मार सके ना कोई, तो वही वाली बात है, ठीक है छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी ये है कि मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है बच्चों का मेंस का पेपर है सर सभी साथ हो बहुत बकैती हो गई है थोड़ा इनका भला करते हैं, हर टीचर से लगभग बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है तो अगर हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मोटिवेट करे तो क्या पता उनका सिलेक्शन हो जाए थोड़ा सा उनका भविष्य बन जाए उसमें आपका नाम ले शायद जीवन में आगे चल के, ठीक है तो उस चीज़ पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, बाकी तो हमें ट्रोल करने के लिए पूरी जिंदगी है कर लीजिएगा ना मेंस के बाद फिर से खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा और 4-5 और यूट्यूबर्स को बुला लीजिएगा कैरी मिनाटी को भी बुला लीजिएगा चला आदित्य रंजन को रोस्ट मार वो भी कर लेगा भाई अच्छा उसकी पूरी हो जाएगी सारे आ जाना यार मिलके
इतने लोगों की सहेली, कुछ लोगों की और सहेलेंगे, बट अभी नहीं, अभी बच्चों का पेपर है, इस बात को समझो, ठीक है। हम भी कहीं नहीं गए, आप भी कहीं नहीं गए, दोनों यहीं पे हैं, कर लीजिएगा जितना रोस्ट करना है, ठीक है। आज